नमस्कार दोस्तों, और फिर से आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। और हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन के तहत एक अहम हिस्सा है। तो हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन पर कई सारे वीडियो देखा है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन टैग को डिस्कस किया है, वाइस को हमने डिस्कस किया है, और आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे पार्ट थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जो कुछ भी हमने देखा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू में कुछ कुछ ऐसे हम लोगों ने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को देखे जिसका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग होते हैं। सिंपली हम लोगों को क्या पता है कि जो मोनोसिलेबिक एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं उनको कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग ईआर का इस्तेमाल करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी। लेकिन मोर देन अधिक होता है मोनो, एक सेवन से अधिक एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोर। तो इस तरह के कई सारे नियम कानून को हम लोगों ने देखा है, और आज हम लोग सीधे सिंपली सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इंटरचेंज को, यानी हम कैसे इंटरचेंज करेंगे। दोस्तों, इंटरचेंज कहें तो आपको पता है कि यदि कोई भी सेंटेंस, कंपैरिजन में हमारे पास डिग्री कितने थे, तीन, कौन कौन से, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री क्या है हमारा, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, और तीसरा हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो कैसे इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे एक दूसरे से। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों, हमारा आज का जो क्लास है कि पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस को इस्तेमाल करो। चलिए, तो हम लोग जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कंपैरेटिव वाले सेंटेंस को हम सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुपरलेटिव में जो सेंटेंस है उसको कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, जो सेंटेंस कंपैरेटिव में दिया गया है उसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वाइस वर्सा देखें, यानी कोई भी एक डिग्री में दिया हुआ है तो बाकी जो दो डिग्री है उसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट और बातें मैं बता रहा हूँ कि जो भी सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री में होगा, ठीक है ना, जो पॉजिटिव डिग्री में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सुपर, सॉरी, पॉजिटिव, जब कंपैरिजन हमारा दो थिंग्स के बीच होगा, कंपैरिजन जब दो थिंग्स के बीच किया गया हो तो दोस्तों हम लोग सुपरलेटिव डिग्री उसका नहीं बना सकते, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब होता है जो सबों में ऊपर। तो जब दो ही है तो दो के बीच में सुपर कैसे होगा, सपोज दो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और दोनों को यदि हमने कंपेयर करके देखा भाई किसके पास ज्यादा रनिंग कैपेसिटी, कितना ज्यादा देर तक दौड़ सकता है, कौन तेज दौड़ सकता है, तो दोनों में से कोई एक विनर होगा। तो अब जो विनर होगा उसको हम सुपर नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि सुपर का मतलब होता है जो सबों में सर्वश्रेष्ठ हो। तो यहाँ दो ही है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो जब कंपैरिजन दो थिंग्स के बीच हो तो हम ऐसे सेंटेंसेस को सुपरलेटिव फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे चलिए एग्जाम्पल्स मैं लेता हूं, ही इज एज टॉल एज his brother, ठीक है, he is as tall as his brother, वह उतना ही भाई लंबा है जितना उसका। दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, एज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, his brother age, वो हम लोग डिस्कस करेंगे रह चल। तो ये है, तो क्या इस सेंटेंस को हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डिग्री में, जब ही आपने एज को देखा तो आप क्या समझ में आया, ये है हमारा पॉजिटिव डिग्री, कौन सा डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री। जब हम इसको कम स्ट्रक्चर्स से बाउंड करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले एक हमको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हमें फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल कर देना है, ठीक है, कोई भी फाइनाइट वर्ब, और एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बीच में हमको फर्स्ट वर्ब एडिजन भी हो सकता है, एडी भी बन भी हो सकता है, एडिजन एडी भी बन, उसके बाद एज
उसके बाद एक सेकंड सब्जेक्ट होगा और उसका फाइनल फॉर्मूला। ये ऑप्शनल रहेगा दोस्तों, हम इसको मेंशन कर भी सकते हैं जैसे नहीं भी कर सकते, जैसे मैंने यहाँ पर फाइनल एडवर्ब को ओमिट किया है। किसका ये, किस डिग्री का ये पैटर्न है? पॉजिटिव डिग्री का, ठीक है। अब हम ये जो सेंटेंस है इसको हम बनाने चल रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? सीडी। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, तो दोस्तों क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो ये जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड सब्जेक्ट को, एस टू को, ठीक है। अब एस टू जो है ये फाइनाइट वर्ब डिटरमाइन करेगा कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो जो ये फाइनाइट वर्ब है वह टेंस को भी डिटरमाइन करेगा कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, टू बी वर्ब का इस्तेमाल होगा या मेन वर्ब का होगा। तो ये फाइनाइट वर्ब फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है डिग्री में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम यहां पर क्या करेंगे, सेंटेंस को निगेटिव बना देंगे, क्लियर। यदि हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव है तो उसको हम क्या कर देंगे, अफर्मेटिव, अर्थात वाइस वर्सा। तो ये नियम में बांध करके रखना संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग ओरल याद रखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव तो सीडी क्या बनेगा, निगेटिव। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव तो ये क्या बनेगा, अफर्मेटिव। पॉजिटिव हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव के यहाँ पर क्या खाना है, अफर्मेटिव। हमने आपको जोक्स के लिए ऐसा कहा, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो बनाएंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस हमारा निगेटिव है बनाएंगे तो क्या बनेगा, अफर्मेटिव, पॉजिटिव नहीं ना, नहीं, नहीं। क्या कहेंगे, अफर्मेटिव। तो सी दिस पैटर्न, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस नंबर वन, सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर्स बोथ। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, क्योंकि आप सीडी देख रहे हो तो सीडी देख रहे हो तो हमको ध्यान रखना है कि हमेशा सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों जो हमारा ई एडजेक्टिव और एडवर्ब है इसको हम डायरेक्टली कौन सा फॉर्म में मेंशन करेंगे, सेकेंड वाला एडजेक्टिव का, और सेकेंड वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेकेंड फॉर्म को कंपैरेटिव डिग्री क्या कहते हैं। कि एज और ये दो एज इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी छुट्टी हो जाएगी, जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, सैटरडे था हाफ सेशन पढ़ाई हुई है अब जाकर के रेस्ट मारो, तो एज की छुट्टी हो गई, क्लियर है सबको। अब जो कंपैरेटिव होता है तो कंपैरिजन दिखाने वाला अंग्रेजी में दो कंजंक्शन से, ठीक है ना, एक एच और दूसरा हमारा क्या है, देन। देन तो ये बताओ कि ये दो एच में कौन सा एच कंजंक्शन है, जल्दी से बताओ, सेकंड वाला, कॉमन, चलिए देन, ठीक है, हम सारा डिस्कस करेंगे, देन इस्तेमाल कर देंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट है, देखो सब्जेक्ट फर्स्ट और इसका खुद का फाइनाइट वर्ब, दोस्तों यही पैटर्न है जहां पर हमें सीखना है। कोई भी यदि दो थिंग्स के बीच यदि कंपेयर किया गया हो तो हम लोग इसी पैटर्न पर क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, समझ में आ रहा है ना। अरे तुम लोग का जी, चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन, किसी को भी यदि आपको दिक्कत होता है तो आप बेहिचक हमें कहिएगा। अब देखो सेंटेंस नंबर सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या है, His brother. चेंज कर रहा हूं, His brother. What is the auxiliary verb? Age. Age ही रह जाएगा, age. सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्या कहे हैं, निगेटिव है, क्या होगा, अफर्मेटिव। सेंटेंस यहाँ पर नेगेटिव है, अफर्मेटिव, तो क्या करना होगा, तो हिज ब्रदर इज क्या बन गया, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न्स देखो क्या करना है, सेकंड फॉर्म करना है, कौन सा फॉर्म रे, सेकंड फॉर्म। तो बताइए कि डॉल का क्या होता है, मोनोसिलेबिक वर्ड ईयर लगा देना,
डॉलर ठीक है। और उसके बाद क्या लगाना है, जिसको देन लिया हुआ है वैस में बाई ले रहता है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देन लिया हुआ है। आ रही बात समझ में? सर आप बोले एज और देन दोनों होता है। हाँ तो एज और देन दोनों होता है तो दोनों अलग अलग है ना। मैंने बताया कि एज और देन दो कंपैरिजन करने वाले कंजंक्शन है। तो अब ये हमने थोड़ा कहा है कि हर जगह एज और देन दोनों बराबर होगा, ये नहीं कहा। हमने आपको बात पूछा कि देन जो होते हैं कंजंक्शन है जो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा कि एज की जगह पर आप देन करो। एज का अलग स्थिति है, देन का अलग स्थिति है, लेकिन दोनों किसमें इस्तेमाल होते हैं? कंपैरिजन में। तो दैट आर कॉल्ड कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। एज और देन को हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन ऑफ क्लियर है। तो अब हम आपको सिखाएंगे, तो हम लोग शुरू ही किए ना, ये तो अभी बेसिक क्लासेस चल रहे हैं, कि कब ये भी बताएंगे इसका सेकंड फाइनाइट वर्ब लिखने में क्या दिक्कत है, नहीं लिखेंगे तो क्या हुआ, क्या यही पैटर्न है या इससे हटकर भी है, तो कई सारी चीजें। तो अभी हम लोग आज की क्लास हम लोग एकदम बेसिक टर्म्स को सीखेंगे, फंडामेंटल टर्म्स को सीखने वाले हैं, जिसको आप सीख कर जाओगे। तो हिज ब्रदर इज नॉट टॉलर देन, सब्जेक्ट सेकंड हमारा कौन है? हिम। क्या हो जाएगा? ही। और इसका फाइनाइट वर्ब देखेंगे तो फिर भाई ये हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही सेंटेंस आपको बनानी है, ठीक है? क्लियर। अब चाहे तो इस चीज को पुट इन ब्रैकेट, नो कंपल्सरी। ब्रदर इज नॉट टॉलर देन हिम, नहीं। एक सवाल है, इस ब्रदर इज नॉट टॉलर देन ही और हिम, ठीक है? तो जब जब हिम मेंशन कर देंगे तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन। और हम यहाँ पर कंपैरिजन किसके बीच कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बीच में, ठीक है ना? इसलिए हमको जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच में हिम कब होगा इसका एग्जांपल देखो। सिर्फ सवाल ये चीज हो गया ना। चलो जैसे ये सेंटेंस होगा, आई नो यू बेटर Than him. किसके किसके बीच कंपैरिजन है? सो दिस इज, मोबाइल को हमेशा साइलेंट रखो ना। यहां पर देखो, आई नो यू बेटर देन हिम। अब हमारे पास क्या है, ये कौन सा डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में। बनाओ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव की अफर्मेटिव की पॉजिटिव, सॉरी अफर्मेटिव की निगेटिव। क्या होगा? अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा। यू आर नॉन टू मी, यू आर नॉन टू पैसे बनाना है। I don't know as well as you. I don't know him. Second object प्रबुद्ध ना होगा? तो I don't know him. मैं उतना बढ़िया से उसे नहीं जानता हूँ as well as you. इसका मतलब है कि आई नो यू बेटर देन हिम। यस नहीं हुआ? अरे आई नो यू बेटर देन हिम, मैं तुम्हें उसके बजाय बेटर जानता हूँ। दे आर टू स्टूडेंट्स हियर, राइट? एक आप हो एक और है, सपोज मानते हैं अभिराम और ये आदित्य। तो मैंने आपसे कहा कि आई नो बेटर, आई नो हिम मीन्स आई नो यू, आपको मैं कह रहा हूँ अभिराम को बेटर देन हिम, मतलब मैं अभिराम को आदित्य से क्या करते हैं बेहतर जानते हैं। तो अगर हम चेंज करेंगे कि आई डोंट नो हिम, मतलब मैं आदित्य को उतना बेहतर से नहीं जानता हूं जितना कि आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको बेहतर से जानता हूं। समझ में ही बात है? तो अब तो सवाल आप बिल्कुल अलग अलग कुछ देते हो, स्टेप बाय स्टेप चीजिए। इस पर एक तरह की नहीं कई तरह की मेन भर वाले कंसेप्ट आएंगे, तो आप बकाइए नहीं। जो पैटर्न्स बताए गए हैं वो नियम वही चलता है, नियम का एप्लीकेशन बदलता है। जैसे आप इलेक्शन में नॉमिनल्स बनाते हो, सपोज
अरे तो नियम तो तीन ही है, लेकिन तीन पर ना जाने कितने तरह के टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं जब दो के बीच कंपैरिजन है तो दोस्तों स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स यही होंगे, सेंटेंस का अंदाज अलग अलग रहेगा, जैसे कई सारे एक्सेप्शन होगा तो वहां पर बहुत तरह के लगेगा कि अब स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर आपको इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है। ठीक है, इस तरह के कई सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप फंसिएगा, लेकिन नहीं फंसेंगे जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जो एक कॉन्सेप्ट को क्लियर, इसे हमें सिर्फ इतना ही पता है, लेकिन आपके कई तरह के सवाल किसी भी तरह के हम इसी पर प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं आगे, चलो अब हमको इस पैटर्न्स पर एग्जाम्पल्स करो, जल्दी से दो एग्जाम्पल्स। जैसे यू आर नॉट, अब सर दोस्तों जब हम सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं तो जनरली जो फर्स्ट एज है उसको हम सो में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी याद रखते हैं। जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो फर्स्ट एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले क्या लगाते हैं, एज। जब सेंटेंस निगेटिव होता है तो एज को हम लोग किस में प्रायोरिटी देते हैं, सो में। तो यू आर नॉट सो फैट, फैट का हम लोग पुराना रिश्ता है ना हम लोगों के साथ है, यू आर नॉट सो फैट एज योर फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड ही है, चलिए फ्रेंड ही में लिखता हूँ, एज योर फ्रेंड। और ये सब्जेक्ट हमारा सेकेंड हो गया, यानी यू सब्जेक्ट एस वन का कंपेरिजन किसके साथ हो रहा है, तुम्हारे दोस्त के साथ, जो कि सेंटेंस में क्या है सेकेंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका भी तो फाइनाइट वर्ब होगा ना, क्योंकि जेमी सेंटेंस की खासियत ही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, बिना सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का सेंटेंस नहीं होगा, क्लियर। तो ये चीज आप देखो, अब हमको क्या करना है, कौन सा डिग्री में ये पहले बताओ, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो चेंज कर लेंगे किस में, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में होगा ना। तो अब हमको क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर फर्स्ट मेंबर से प्रमोट करेंगे, योर फ्रेंड, अब नेगेटिव है सॉरी, तो क्या बनेगा अफर्मेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या बनेगा अफर्मेटिव, यानी नॉट की छुट्टी हो गई, हटो स्ट्रक्चर मिलाओ, सब्जेक्ट के बाद फाइनल पर मेंशन कर दिए हैं योर फ्रेंड, अब चूंकि यू है तो आर हुआ योर फ्रेंड के अनुसार, इज काम से सेकेंड फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव से एडवर्ब, फाइट का क्या हो जाएगा, फैक्टर डबल टी होगा, बताया है नियम कैसे डबल टी होता है लास्ट क्लास में, पहले बाबिल फैक्टर उसके बाद क्या लगा देना है, देन सब्जेक्ट फर्स्ट वन कौन है रे, यू के अनुसार फाइनाइट वर्ब क्या होगा, खत्म कहानी, दिक्कत है, इसी तरह से बन गया होगा, दिख रहा है इधर बिलो देखो तो, चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं, जैसे सी रन्स एज फर्स्ट एज हर सिस्टर, हर सिस्टर, और हर रन्स वी पाइप है, तो सेकंड सब्जेक्ट का फाइनाइट वर्ब क्या होगा, जल्दी से दिमाग लगा के बोलो, वी पाइप में कौन सा होता है, तो वी पाइप में क्या छिपा हुआ है, डच, खत्म कहानी, इतना सोचता है जो डच। एस वन बताइएगा विजिबल है या नहीं, चलिए एफी टू सेंटेंस अफर्मेटिव की नेगेटिव, सेंटेंस अफर्मेटिव क्या बनेगा, नेगेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। चलो सेकंड सब्जेक्ट को प्रमोट करो, हर सिस्टर, हर सिस्टर, चलो द द रन्स क्या होगा, नेगेटिव बनाओ, हर सिस्टर, और एक एज होगा कि ये बात होगा, एज होगा, अरे तो वही मूर्ख नंबर दो मिला हूं मैं, हूँ जिंदगी भर वही तुम करो वही वाली कंडीशन, फैटर फैटर वही मुटका ओकरा से मुटका, और कुछ नहीं सीखोगे आप, ध्यान देना कॉन्सेंट्रेट की जरूरत पड़ेगी, आपको फिर से हम सिखाएंगे निगेटिव कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, हर सिस्टर doesn't run, क्या हो जाएगा run, और सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब हो गया, स्ट्रक्चर मिलाओ,
एडजेक्टिव है यहाँ, एडवर्ब है, क्योंकि मान वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब। तो देखा एडजेक्टिव का भी एग्जांपल दिया और एडवर्ब के, तो दोनों हो सकता है। तो रन क्या देगा फास्टर पहले ना जी, क्या तो बोल रहा है फास्टर, हर सिस्टर डज नॉट रन फास्टर, और उसके बाद क्या लगेगा देन, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा इसी, और इसका फाइनल एडवर्ब क्या हो गया अब डज, वो फिनिश कर रहा है डज। समझ आई बातें दोस्तों? आप यदि देख रहे हो कि किसी भी तरह के सेंटेंसेस हैं, हमारे पास जो रूल्स अप्लाई होते हैं दोस्तों यही होते हैं, लेकिन इसमें ऐसे ऐसे मैं सेंटेंसेस लिखूंगा जो यही पर है, लेकिन आप गलत कर बैठोगे। रीजंस है कि हम पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे हैं, और हमें पैटर्न्स रटना नहीं है, हमें सब्जेक्ट फाइनल पर पहचानना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहाँ पर हम कई सारे प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। Gracias.